गुड मॉर्निंग, ये मंडे मॉर्निंग है, ठीक है। कर्फ्यू के बाद का दिन, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस संडे को टेस्ट लूंगा और अगर मैंने बोला है मतलब टेस्ट होगा, ठीक है। कल भी शायद बोला गया था कि टेस्ट होना है लेकिन क्वेश्चन पेपर बन नहीं पाया, क्या हुआ पता नहीं उनका, तो टेस्ट नहीं हो पाया। इस संडे को टेस्ट होगा और कहाँ तक आएगा, फ्राइडे वाले दिन तक। फ्राइडे वाले दिन तक जो भी पढ़ा दूंगा वहां तक आएगा। मेरे को लगता है मैं डाइपोल कंप्लीट कर दूंगा, डाइपोल आज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो टेस्ट होगा उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, टेस्ट में कोशिश करना कि अच्छे मार्क्स लेके आना है। अगर देखो, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक नहीं है तो देखो, जो जेई वाले स्टूडेंट है ना वो तो एचसीवी सॉल्व कर सकते हैं, एचसीवी में उनको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको डीसीपी कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, या तो वो खरीद लें सेकेंड हैंड, फोर्थ हैंड, थर्ड हैंड, जो हैंड मिलता है वो हैंड खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इससे मतलब होता, ठीक है। या अगर तुमको डीसीपी नहीं मिल रहा है, तुमको लग रहा है कोई और बुक मिल जा रहा है, जो भी बुक मिल रहा है तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, तुमको लग रहा है डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ डाउट आते थे, अब डाउट आने बंद हुए। देखो मैंने क्या नोटिस किया ना कि जब मैं डाउट का एक तो तरीका, मान लो कुछ कोई ऐसा डाउट पूछता है जिसको मेरे को लगता है कि इसको सॉल्व करके भेज देना चाहिए, तो वो मैं सॉल्व करके भेजता हूँ। लेकिन बहुत सारे डाउट्स मेरे को ऐसे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने क्लास में बताए हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन क्लास में बताए हैं इसलिए अभी क्या कर देंगे, सिर्फ इसका हिंट अगर बता देंगे तो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इनकेस अगर तुम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उसके बाद भी हिंट के बाद भी अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो, तब यू कैन आस्क मी दोबारा से, आप मेरे को दोबारा से पूछ सकते हो कि सर ये जो क्वेश्चन था ये सॉल्व नहीं हुआ, आप इसको दोबारा से बता दो, तब मैं क्या करूंगा शायद सोल्यूशन भेज दूंगा। आटा वो मतलब इंस्टेंटली तुमने बोला कि भाई ये क्वेश्चन डाउट है और आप सोल्यूशन भेज दो तो वो सही तरीका नहीं है। एग्जाम मेरे को नहीं देना, ठीक है, मेरे को एग्जाम नहीं देना, एग्जाम तुमको ही देना है। तो एग्जाम में अगर तुमको ही एग्जाम अपियर करना है तो क्वेश्चन भी तुमको ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको क्या बता दिया था, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पोटेंशियल सिखा दिया था। अब पोटेंशियल क्या होता है, तो चार्ज के आसपास के रीजन को बोला था पोटेंशियल, ठीक है। एक सोर्स चार्ज के आसपास का जो रीजन है उसको डिफाइन किया था हमने यूजिंग पोटेंशियल। अब उसके बाद हमने क्या बोला था, अलग अलग चार्ज के अरेंजमेंट्स के लिए पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट किया था। पोटेंशियल स्केल ऑफ क्वांटिटी होता है तो पोटेंशियल का कैलकुलेशन इतना मुश्किल होता नहीं। फील्ड वाला कैलकुलेशन अगर देखोगे तो बहुत टाइम लगा था, फील्ड वाले कैलकुलेशन में शायद 2 से 3 लेक्चर मैंने खत्म किया था, पोटेंशियल में शायद 1 लेक्चर में मैंने सारा कुछ बता दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी पोटेंशियल ऐड करना है तो पॉजिटिव वाले चार्ज के कारण प्लस लिख देना, माइनस नेगेटिव वाले चार्ज के कारण माइनस लिख देना और ऐड कर देना सिंपली, जैसे स्केल रिलेशन करते हैं वैसे ही ऐड करना होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल का यूज कहां पर आया था, तो पोटेंशियल का यूज आएगा वर्क डन के कैलकुलेशन में। जब भी आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा जाए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा जाए, आप सिंपली क्या करोगे, Q नॉट को मल्टीप्लाई कर दोगे V इनिशियल माइनस V फाइनल से, मतलब Q टाइम्स ऑफ V इनिशियल माइनस V फाइनल जो होता है वो वर्क डन होता है। और ये जो फॉर्मूला है ना वर्क डन कैलकुलेशन का यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्वेश्चन कॉलेज के एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन। अब सिंस चार्ज के आसपास के रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफाइन किया था, चार्ज के आसपास के रीजन को पोटेंशियल से भी डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर एक जैसे क्वांटिटी को दो अलग अलग पैरामीटर से डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों जो क्वांटिटीज था जिसको मैंने डिफाइन किया है उसमें कुछ रिलेशन भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में भी हमने रिलेशन देखा था, हमने क्या देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर जो होता है वो v इनिशियल माइनस v फाइनल होता है। अब यहाँ पर दो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, कभी भी अगर आपके पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन गिवन है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट होता है वो माइनस ऑफ 2v/2x होता है, 2 का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसी तरह अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो माइनस ऑफ 2v/2y लिख दोगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो माइनस ऑफ 2v/2z लिख दोगे। बात समझ में आ रहा है, ये पहला फॉर्मेट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल डिफरेंस
या किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर जब आप सॉल्व करोगे, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर, अच्छा डी आर वेक्टर का मतलब है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर को आप डी एक्स आई कैप dy j cap dz k cap के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि किस साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो dr वेक्टर को लिख देना dx i cap plus dy j cap, अगर x y z तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो लिख देना dx i cap dy j cap dz k cap dr वेक्टर को, बात समझ में आ रहा है। अब e वेक्टर डॉट dr वेक्टर का इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, v इनिशियल माइनस v फाइनल हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए थे, इसमें एक फिर से कॉलेज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या होता है, जब कांस्टेंट फील्ड होता है, जब कांस्टेंट फील्ड होता है तो उसको इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, अगर फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट, ई वेक्टर मैंने बाहर निकाल दिया तो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा डी आर वेक्टर, इसका मतलब क्या आएगा, ई डॉट आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल होता है, इसमें भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब इसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो हमने ये देखा था कि कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, जैसे अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यहीं से लिंक होगा, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अपने को पढ़ने हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, देखो ये सब जो लेक्चर है ना पूरा याद करने वाला है, आज मैं डाइपोल स्टार्ट करूंगा, डाइपोल भी ना याद करने वाला है, जितने अच्छे से तुम इनको याद रख पाओगे उतने अच्छे से तुम इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो बाकी और किसी टॉपिक में मैं तुमको नहीं बोलता कि तुमको याद करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैट वो भी इलेक्ट्रोस्टैट का पहला पार्ट, जब कैपेसिटर पढ़ेंगे ना तब याद नहीं करना है, तब वहां पे समझना हो जाएगा, अभी जो पार्ट चल रहा है ना उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब बातें याद रखने वाली है, जितना अच्छा आप इस चैप्टर में याद रख पाओगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आप इस चैप्टर के सॉल्व कर पाओगे। देखो तुम अगर एनसीईआरटी बुक कभी देखोगे ना तो एनसीईआरटी बुक में देखना 12th के एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट पार्ट में 7 chapters है शायद, ठीक है, टोटल 7 chapters है, 7 या 8 होंगे जो भी होंगे, अब वो जो 7 और 8 चैप्टर्स है ना एनसीईआरटी बुक के वो तुम्हारे 30-40% क्वेश्चन के अक्वायर करने वाले हैं, तुम कोई भी एग्जाम दे दो भाई, तुम कोई भी एग्जाम दे दो वो 30-40% का तुम्हारे पास कंटेंट है, ठीक है, मतलब अभी जो 3 बम भी फूट रहे पता नहीं क्या हो रहा, अभी जो 3 महीने लेक्चर चलेगा ना वो 3 महीने तुमको 30-40% का काम देने वाला है। अब देखो अलग अलग ये में अलग अलग टॉपिक स्टार्ट हुआ है, मेरे को लगा कि नहीं ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसमें टाइम देना जरूरी है, स्टार्टिंग में मैंने तो देखा था लेक्चर को देखते भी थे, अब फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ आज मैं ग्रुप में भी लिखूँ, ठीक है, शायद तुमको थोड़ा इमोशनल कर पाऊँ कि तुम पढ़ लो, अपना काम तो यही है कि किसी तरह तुमको इमोशनल करा के पढ़ा लो भाई, क्योंकि खुशी खुशी में तो कोई पढ़ता नहीं है, थोड़ा इमोशनल कर दो तो शायद वो पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो देखते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये जो 7 chapters है ना जो 3 महीने तक चलेंगे अभी, अच्छा और अभी इतना जान लेना 12th के सिलेबस में ना ये जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने में 3 महीने लगेंगे और जो उसका नेक्स्ट वाला पार्ट होगा ना वो 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें भी ज्यादा टाइम किसमें लगने वाला है, वो जो 1.5 महीना होगा उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा तुम्हारा इसमें ऑप्टिक्स में ज्यादा टाइम लगने वाला है, 1 महीने का अप्रॉक्स ऑप्टिक्स में लगेगा, 15 दिन में बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्यों कंप्लीट हो जाएगा पूरा, क्योंकि उसके बाद जो आएगा ना वो सब थ्योरी बता दो, नोट्स जैसा बना दूंगा तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियस ये तो तुमने पहले ही पढ़ लिया होगा, अगर तुमने रेट लॉ पढ़ लिया होगा केमिस्ट्री में तो रेडियो एक्टिविटी की तुमने थोड़ी बहुत पढ़ ली होगी, कुछ एक एक्सरे होता है जो शायद तुमने नहीं पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्किप करने वाला हूँ, मैं सारी बातें पढ़ाऊंगा भाई, मैं हर कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम देखना कि कैसे 15-20 दिन में वो जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। बेसिकली जो टाइम लगना है 3 महीना या 7 chapters में, और 1 महीना लगेगा वो 2 chapters में, ऑप्टिक्स के दो चैप्टर जिसमें एक चैप्टर होगा रे ऑप्टिक्स और दूसरा चैप्टर होगा वेव ऑप्टिक्स। अब मैंने वेव्स इसीलिए भी नहीं पढ़ाया, 11th में भी एक वेव का सेक्शन था, वो मैंने बस इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं उसको ऑप्टिक्स के साथ पढ़ाऊँ, बात समझ में आ रहा है, तो मैं समय से सिलेबस खत्म कर दूंगा, और ऐसा कोई नहीं कि मैंने कोई जल्दबाजी की है, ऐसा टाइम लगता है इतने टाइम में हो जाएगा, ठीक है।
मेन है ये सीख जाना, जो स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स है ना वो सीख गए तो तुम्हारे 30-40% कंप्लीट हो गया, मतलब तुम एग्जाम क्लियर तो कर सकते हो भाई अगर तुमको ये अच्छे से आ गया तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना तुम्हारी कॉपी में लिखा है, जितना मैं तुमको बता रहा हूँ, याद करते जाओ, पढ़ते जाओ 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, जितना मौका मिल रहा उतना पढ़ लो, ठीक है। छोटे मोटे मैकेनिक्स, अब देखो मैकेनिक्स के क्वेश्चन मैंने तुमको बताया था ना, जब मैंने स्टार्टिंग में मैकेनिक्स स्टार्ट किया था ना तो मैंने तुमको बताया था कि मैकेनिक्स के खुद के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इस तरह के एप्लीकेशंस मिला मिला के मैकेनिक्स में क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैकेनिक्स, SHM प्लस मैकेनिक्स, तो इस तरह के मैकेनिक्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। तो मैकेनिक्स में हमने स्टार्टिंग में बहुत टाइम इसीलिए लिया क्योंकि वो कोर है, अगर मैकेनिक्स तुमको आ गया तो तुम आगे का जो फिजिक्स है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर से मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मैकेनिक्स में अभी भी कोई प्रॉब्लम जाता है ना तो पहला काम तो करो नोट्स पढ़ो, नहीं समझ में आता है तो नोट्स के स्नैपशॉट लेके भेज दो कि सर मेरे को ये वाला लाइन फिर से बता दो, ये वाला टॉपिक मेरे को फिर से बता दो। देखो तुमको फिर से बताने में मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद तुमको प्रॉब्लम होता होगा पूछने में, लेकिन मेरे को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ एक चीज होना चाहिए कि मतलब सर पे नहीं चढ़ जाना चाहिए कि सर बताओ, अरे मैं भी, मेरी भी लग रही है यार, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, शादी नहीं हुई तो क्या, पर्सनल लाइफ तो है मेरी भी, ठीक है। छोड़ो क्या देख रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। अब अगर मैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में बात करूं तो हमने ये पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट बी आर वेक्टर इक्वल्स टू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में ये पढ़ाया था। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट है, फॉर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, तो ई वेक्टर डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा, ई डॉट आर वेक्टर इक्वल्स टू बी इनिशियल माइनस बी फाइनल। अब मान लो ऐसा बोला जाए, मान लो Let us assume को हिंदी में मान लो बोलते हैं, let us assume को हिंदी में मान लो बोलते हैं, तुम्हारा physics ठीक करा होना करो, अंग्रेजी ठीक करा दो, मैं let us assume e vector dot r vector, e vector dot r vector को क्या लिख सकते हैं, नहीं पहले तो assume क्या करना है बोलो, देख लो let us assume e vector is perpendicular to r vector, ऐसा मान लिया जाए कि E वेक्टर और R वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, तो E वेक्टर डॉट R वेक्टर को मैंने क्या कर दिया, जीरो लिख दिया। अब जीरो इक्वल्स टू V इनिशियल माइनस V फाइनल, जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो जो है वो यहाँ पर V इनिशियल माइनस V फाइनल हो जाएगा। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगा क्या, हाँ या ना, इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में कभी भी मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में, आर वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है ना, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चल रहे थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे चल रहे थे, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर में मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो परपेंडिकुलर में मूव करना इसका मतलब क्या है, इस लाइन के अलॉन्ग मूव करना है क्या ऐसे। अब इस लाइन पे आप कहीं पे मूव करो, मान लो यहां से यहां चले जाओ, तो r वेक्टर ये हो गया ना, ये मान लो मेरे पास इनिशियल पोजीशन है और ये मेरे पास फाइनल पोजीशन, तो r वेक्टर जो है ये r वेक्टर हो गया हमारे पास और ये मेरे पास e वेक्टर हो गया। अब e वेक्टर और r वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है क्या, अगर e वेक्टर और r वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है, इसका मतलब v इनिशियल और v फाइनल का एंगल सेम होगा क्या, इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहां पर है v इनिशियल उतना ही पोटेंशियल यहां पर भी होगा क्या v फाइनल। तो अब तुम इस लाइन में, ये जो पूरा मैंने लाइन डॉटेड डॉटेड बनाया ना, इस पूरे लाइन में कहीं पे भी चले जाओ, जितना पोटेंशियल यहां का होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पे भी होगा क्या, जितना पोटेंशियल पॉइंट वन का है उतना ही पोटेंशियल पॉइंट टू का है क्या। तो ये जो लाइन है ना डॉटेड डॉटेड जो मैंने लाइन बनाया है जो फील्ड के परपेंडिकुलर है, उस लाइन को मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लो, उन सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या, हम क्या बोल सकते हैं कि इस लाइन पर
इस डॉटेड लाइन पर, डॉटेड लाइन पर कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लो, कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लो वहां पर, इस डॉटेड लाइन पर कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लो वहां पर पोटेंशियल का वैल्यू, वहां पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो जाएगा, वैल्यू सेम हो जाएगा। अब ये जो फील्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा इमेजिन करो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री डायमेंशन में, क्या मान लो ये जो रूम है, तुम्हारे रूम है, तुम्हारे रूम के सामने एक वॉल दिख रहा होगा तुमको, ऐसा अज्यूम करो कि फील लाइन जैसे आ रहे हैं डू डू डू, इस तरह से फील लाइन आ रहे हैं, मतलब ऐसा फील लाइंस का मतलब क्या है, दिखेंगे नहीं तुमको, ऐसा थोड़ी कि फील लाइंस आ रहे हैं तुमको दिख रहे कि हाँ ये फील लाइन आपको में घुसा, ऐसा नहीं, लेकिन आप उसको अज्यूम कैसे करोगे कि पूरा रूम जो है वो फील लाइन से भरा हुआ है, ऐसे ऐसे फील लाइंस आ रहे हैं, ऐसा एक फील लाइन गया, फिर ये दूसरा फील लाइन गया, और अगर फील कॉन्स्टेंट है तो पैरेलल फील लाइंस दिखेंगे क्या हमको, जो फील लाइंस बनाओगे वो पैरेलल दिखाएंगे। अब अगर इस लाइन के अलोंग हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम था, मान लो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग में एक प्लेन बना लू, मैंने प्लेन कैसे बनाया, मैंने क्या बोला इस डायरेक्शन में ऐसे फील लाइंस आ रहे थे हर हर पॉइंट से, पूरा यूनिफॉर्म फील लाइंस ऐसे था, यहां पर एक प्लेन इस तरह से लाके रख दू, ये प्लेन मैंने ऐसे लाके रख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन में रखे हुए हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा क्या, क्यों सर, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट ऐसा है, और तुम यहां से यहां आर वेक्टर कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, ऐसा अज्यूम कर लो कि फील लाइन ऐसे आ रहे हैं यहां से, ऐसे ऐसे बाइकोर से निकल निकल के तुम्हारे तक अंदर आ रहे हैं, ये गया फील लाइन, ये गया, ये गया फील लाइन, ऐसे गया। अब मैंने एक प्लेन ऐसा नहीं किया, अब ध्यान से अगर देखोगे तो फील लाइन ऐसे निकल रहे ना, ऐसे 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 फील लाइन है, और तुम ए से भी कहीं पर भी चले जाओ, ए से भी यहां चले जाओ, ठीक है, ए से भी जब तुम यहां जाओगे तो फील लाइन उस तरह से थे, ये 90 डिग्री बन गया, गया। इसका मतलब क्या हो गया, इस प्लेन पर, अच्छा अब तुम ऐसे टेढ़ा भी अज्यूम कर सकते हो, यहां से यहां फील लाइन कैसे है, फील लाइंस तो जेड एक्सिस की तरफ है ना, और तुम एक्स वाई प्लेन में कहीं पे मूव करो, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ये जो मेरा पाम है वो एक्स वाई प्लेन है, तुम एक्स वाई प्लेन पे कहीं पे भी मूव करो और ये फील लाइन इस तरफ है, तो एंगल अभी भी 90 डिग्री है क्या, अगर एंगल अभी भी 90 डिग्री है मतलब इस प्लेन में कहीं पे भी चले जाओगे तो आपको पोटेंशियल का वैल्यू सेम मिलेगा क्या, सर मेरे को नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो ना भाई, तुम मान लो कोई रैंडम पोजीशन ले लेते, दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, और फील लाइन जैसे परपेंडिकुलर ही जा रही है क्या, अगर फील लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो आर वेक्टर था, ये आर वेक्टर बना दिया मैंने, ये जो आर वेक्टर है और ये आपस में 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं क्या, क्यों, क्योंकि ये जेड एक्सिस के अलोंग है और ये एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर ये आर वेक्टर परपेंडिकुलर है इसके, इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पर मैं कहीं पर भी चले जाऊं यहां और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ई डॉट आर वेक्टर जीरो हो रहा है, अगर E dot R vector 0 हो गया मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा क्या, मतलब ये एक ऐसा सरफेस है, ये एक ऐसा सरफेस है जिसमें हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब ऐसा कोई भी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता हो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसे ही डेफिनेशन अपने को याद करना है, इक्वी मतलब इक्वल, तो इक्वल वर्ड से ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस का हम क्या करने वाले हैं, डेफिनेशन बनाने वाले हैं। ऐसा कोई भी सरफेस, आप ये चाहो तो डेफिनेशन लिख लो, ऐसा कोई भी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाए उस सरफेस को क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। स्कूल कॉलेज के एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपको क्या लिखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, समझने वाला डेफिनेशन है कि एक सरफेस में रखे हुए हर एक पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर सेम है तो उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, ये समझने वाला डेफिनेशन है। लिखोगे कैसा, इसको लिखोगे लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच हैव सेम पोटेंशियल
which has same potential is known as अब ये locus मैथ्स वाले स्टूडेंट को अभी trigonometry पढ़ा होगा उन्होंने quadrigonometry पढ़ा होगा तो उनको locus पता होगा. मेडिकल वाले स्टूडेंट बस ऐसा समझ लो locus का मतलब होता है set of points, collection of points को क्या बोलते हैं locus. तो वो सारे points जहां का potential same होगा उसे हम क्या बोलेंगे equipotential surfaces. अब याद क्या क्या रखना है. अच्छा ऐसा कुछ जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना ये वापस से वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा. वहां पर तुम पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे इसी कंसेप्ट को पढ़ोगे वेव फ्रंट के नाम से. वहां पे मैं पढ़ाऊंगा तुमको वेव फ्रंट के नाम से यही कंसेप्ट बिल्कुल सेम कंसेप्ट. यहाँ पे जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के नाम से वहां पे पढ़ाऊंगा वेव फ्रंट के नाम से. देखो मैंने तुमको बताया है फिजिक्स जो है ना वो लिंक करने वाला सब्जेक्ट है. तुम जितना अच्छा लिंक कर पाओगे सब्जेक्ट में तुमको उतना ही आसानी होगा पढ़ने में. अगर तुमको ये लगता है कि भाई सब तो नया ही चल रहा है सब तो नया ही चल रहा है कुछ पुराने से लिंक नहीं है मतलब आपने फिजिक्स नहीं समझा. फिजिक्स समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा लिंक करना आना पड़ेगा. अगर आप चीजों को लिंक कर पाते हो तो आप फिजिक्स सीख सकते हो. नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है. ठीक है. अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में जितना मैं बताऊंगा उतना याद कर लेना. इक्विपोटेंशियल सरफेस में जितना भी मैं बताऊंगा उतना क्या कर लेना है याद कर लेना है. अब क्या क्या याद करना है. सबसे पहले तो कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस स्टैंडर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना लेते हैं. जैसे आपने ये देखा था अगर इस तरह से फील लाइंस है यूनिफॉर्म फील लाइंस इस तरह से है तो इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं ना वो इस तरह के प्लेन सरफेसेस बनते हैं. इस तरह के प्लेनर सर्फेसेस बना देना ये क्या हो जाएंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हो जाएंगे. तो ये जो डायग्राम है मान लो ये प्लेन ए है और ये क्या है प्लेन बी है. यहां पर प्लेन ए के सारे पॉइंट्स प्लेन ए के सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर है सेम पोटेंशियल पर है. प्लेन बी के सारे पॉइंट्स प्लेन बी के सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर है सेम पोटेंशियल पर है. लेकिन लेकिन प्लेन ए के पॉइंट्स प्लेन ए के पॉइंट्स और प्लेन बी के पॉइंट्स प्लेन ए के पॉइंट्स और प्लेन बी के पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा. इसका क्या मतलब है यहां पर तुम कोई भी पॉइंट देखोगे इस पूरे प्लेन में सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है. यहां पर भी तुम कोई भी पॉइंट देखोगे सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है. लेकिन यहां का पॉइंट दो अलग अलग प्लेन में अगर आप पॉइंट्स कंपेयर करोगे तो जो पोटेंशियल यहां पे वो पोटेंशियल यहां पे नहीं होगा. जैसे हमने कैलकुलेट किया था यहां से यहां यहां पे ई वेक्टर भी इस तरफ है और ये आर वेक्टर भी इस तरफ है तो ये ई डॉट आर क्या हो जाएगा इनिशियल माइनस बी फाइनल होगा क्या. अब ये जीरो तो है नहीं. अगर ये जीरो नहीं है मतलब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा. बात समझ में आ रहा है क्या. और आगे देखते हैं लेकिन पहले क्या करेंगे स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लेना मैं व्हाइट बोर्ड ड्रॉप कर लेता हूं. देखो स्टार्ट करते हैं. एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं. अगर मान लो एक पॉइंट चार्ज क्यू है पॉइंट चार्ज से किसी आर सेपरेशन पर अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से किसी आर सेपरेशन पर अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता था तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या के क्यू अपॉन आर था क्या. मान लो पॉइंट चार्ज यहां पे रखें तुम आर डिस्टेंस इस डायरेक्शन में चले जाओ आर डिस्टेंस आगे चले जाओ आर डिस्टेंस इधर चले जाओ इधर चले जाओ इधर चले जाओ तुम आर डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में चले जाओगे तो हर डायरेक्शन में तुमको के क्यू अपॉन आर पे जो पोटेंशियल मिलेगा या हर डिस्टेंस पे हर डायरेक्शन में तुम्हें चार्ज क्यू से आर सेपरेशन पर चार्ज क्यू से आर सेपरेशन पर जो पोटेंशियल मिलेगा उसका वैल्यू सेम रहेगा क्या. ठीक है. अब अगर मैं बोलूं कि मैं उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक स्फीयर जैसा बन जाएगा क्या. बात समझ में आ रहा है ना.
अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज से आर सेपरेशन पे मैं हर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करूँ, हर डायरेक्शन में मूव करने के बाद अगर मैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना स्टार्ट करूँ तो वो जो सेट ऑफ पॉइंट्स होगा या वो जो लोकस होगा पॉइंट्स का, वो क्या करेगा, एक स्पीयर फॉर्म करेगा क्या? हाँ या ना? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू जो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू अगर आपके पास पॉइंट चार्ज का है, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, वो स्फेरिकल शेप के होंगे क्या? वो स्फेरिकल शेप के होने चाहिए ना, बात समझ में आ रहा है? SHAPE, वो स्फेरिकल शेप के होंगे। तो इस पॉइंट पे, इस पूरे सरफेस में कहीं पर भी कोई पॉइंट अज्यूम कर लो, कहीं पर भी कोई पॉइंट अज्यूम कर लो, सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल आपको क्या मिलने वाले हैं? सेम मिलने वाले। अब अगर आपको सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम मिलेंगे तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस को बोलेंगे। अब मान लो ये सरफेस S1 है और ये सरफेस S2 है, S1 के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, S2 के भी सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, S1 और S2 के पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है क्या? नहीं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सेपरेशन R1 का है और ये सेपरेशन R2 का है, इसका मतलब S1 पे जितने भी पॉइंट्स है सबका पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन S2 पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका पोटेंशियल अलग है क्या? मतलब S1 से तो अलग है ना, S2 के जितने भी पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल सेम है, S2 सरफेस है, लेकिन जो S1 वाले सरफेस का पोटेंशियल है और जो S2 वाले सरफेस का पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? वो अलग अलग हो जाएगा क्या? अच्छा, अब अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से देखना जो मैं बताऊंगा, मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैंने क्या किया ना, जो मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को Q0 से उठाकर इसको पॉइंट B तक लेके चले गए, Q0 टेस्ट चार्ज है, Q0 टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से उठाकर पॉइंट B तक लेके चले गए। अब अगर पॉइंट A से उठाकर उसको पॉइंट B में जाके रख देंगे तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है? कोई डिफरेंस नहीं आएगा सर, क्यों? क्योंकि जितना पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का है उतना ही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का भी है क्या? अगर पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आया तो हम क्या जानते हैं, वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है वो टेस्ट चार्ज टाइम्स ऑफ V इनिशियल माइनस V फाइनल होता है क्या? Absence A और B point equipotential surfaces के points हैं। A point और B point equipotential surfaces के point हैं। इसका मतलब जितना potential point A का है, उतना ही potential point B का भी होगा। अगर ये value और ये value same है, इसका मतलब difference zero हो गया, तो work done को zero लिख सकते हैं क्या? अब work done zero आ गया, इसका मतलब क्या है? बहुत ही शानदार mind यहाँ पर develop होके आएगा। अब वो शानदार mind क्या है? ठीक है? ये लाइन सिर्फ कुछ इलीट लोग ही जानते हैं, सब नहीं जानते इसको। तो अगर आज के बाद से तुम जानना स्टार्ट कर दोगे तो तुम भी उस इलीट ग्रुप में शामिल हो जाओगे जो ये बात जानना स्टार्ट कर देंगे। क्या यहाँ पर इलीट, ऐसा क्या है सर इसमें, इलीटनेस कैसे पता चलेगा अपने को? तो वर्क डन इन मूविंग अ, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, work done in moving a test charge through an equipotential surface, through an equipotential potential, equipotential surface is always zero. ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसीलिए हो गया क्योंकि work done तो potential के difference पे depend करता है। अगर equipotential surface है तो कोई potential का difference नहीं होगा, कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अभी क्वेश्चन बना बना के पूछ लेते हैं, ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस दे देंगे और बोलेंगे भाई चार्ज को ए से बी उठा के ले गए, अगर चार्ज को ए से बी उठा के ले गए तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं हुआ। बात समझ में आएगा? लेकिन मान लो इसी डायग्राम में ऐसा बोलते कि अ टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलते कि टेस्ट चार्ज को क्या करना है, पॉइंट ए से पॉइंट सी पे मूव कराना है, फाइंड द वर्क डन। अब टेस्ट चार्ज को अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट सी मूव करके लेके जाओगे तो पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा सर। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस था, और अगर स्फीयर बनाते जाते तो और तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता। अब इसमें रखे हुए जितने पॉइंट्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है,
इसमें रखे हुए जितने पॉइंट्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, लेकिन इसके और इसके बीच में तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ना। अगर शेल वन और शेल टू पे पोटेंशियल का डिफरेंस है मतलब वर्क डन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि वर्क डन, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज टू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। मान लो किसी ने मुझसे ये पूछा वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, अब ए से सी अगर लेके जाओगे तो ए से सी ले जाने में क्या लिखेंगे, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इनिशियल पोटेंशियल क्या था के क्यू अपॉन आर वन, फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर टू। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे वर्क डन आ जाएगा क्या। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस में ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा, वर्क डन कैलकुलेट करने को पूछा जाएगा। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है, अब अगर एक और चीज ध्यान से देखोगे तो जो टेस्ट चार्ज होता था या पॉइंट चार्ज जो होता था उसमें पी लाइंस कैसे दिखाते थे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिखाते थे, सॉरी परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं, क्या बोलते उसको, हर डायरेक्शन में ऐसा दिखाते थे। गाड़ी चलानी नहीं है, ठीक है, वो गाड़ी की आवाज में अपनी आवाज छुपाते हैं। हाँ, अब अगर तुम एक पॉइंट चार्ज लोगे तो पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, जो फी लाइंस निकलते हैं सब डायरेक्शन में निकलते हैं ना। अब अगर ध्यान से देखोगे ये रेडियस के अलावा क्या फी लाइंस ये क्या है, ये रेड से जो मैंने बनाया है कहीं दिख रहा है कि नहीं, ये रेड से जो बना रहे हैं ना उसे क्या बोल रहे हैं, फील्ड लाइंस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फील्ड लाइंस है वो रेडियस के अलोंग है क्या, फील्ड लाइंस रेडियस के अलोंग है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर बन रहे हैं क्या, फील्ड लाइंस जो है वो रेडियस के अलोंग है और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हो रहे हैं ना। ध्यान से अगर ये ऐसे रेडियल है तो इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते तो ये 90 डिग्री बनता, दूसरा इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते तो 90 डिग्री बनता गया, मतलब एक नेक्स्ट लाइन, पहला लाइन हमको क्या याद रखना है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में, पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट पे अगर चार्ज को मूव कराया जाए तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, ये पहला पॉइंट हमको याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमें दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, फील्ड लाइंस आर always, P lines are always perpendicular to equipotential surfaces. अब NCERT book में एक बहुत ही अच्छा सा line उन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या बोला कि अगर P lines equipotential surface के perpendicular नहीं होते, जैसे हमने तो ये बोल दिया ना कि P lines जो है वो perpendicular to equipotential surfaces होने चाहिए, उन्होंने कैसा लिखा है कि अगर P lines equipotential surface के perpendicular नहीं होते, मतलब उनके दो components बना सकते थे क्या? इसको diagram समझते हैं। ये diagram आप note कर लो। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई को drop करने में बहुत time जाता है यार। जितने में मैं दो lecture बना लूँ, उतने में एक lecture बन पाता है। ये बुरी हालत हो गई है भाई को की। मेरे को लग रहा है इसको क्या करना पड़ता है, वो ब्रह्म को निकालने के लिए कुछ करना पड़ता है ना, लड़कियां कराती है, क्या कराती है, क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते थे उसको, वैक्सिंग नहीं, अरे पार्लर में कराते हैं ना, नाम नहीं आ गया, कुछ तो बोलते थे उसको, उसमें चेहरे में ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऐसा वो पार्लर वाले बोलते हैं कि ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, देखते तो वो अभी वैसे ही नॉर्मली जैसा पहले जाते हैं ऐसे ही होके आते हैं, ठीक है, लेकिन पार्लर वाले वो बेवकूफ बना देते कि चमक आ गया है, ग्लोनेस आ गया है इसको, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आता। स्क्रब बोलते चाहे हाँ, वो स्क्रब लगाने को बोलते नहीं, स्क्रब से तो डेड सेल लगते हैं, क्या बोलते थे उसको, अरे मैं भी कभी टिप 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 हेयर कटाने जाता हूँ ना तो वो बोलते हैं मेरे सर ये करा लो, पिंपल्स दिख रहे हैं, डार्क सर्कल हो गए, भाई तेरे तू क्यों देख रहा है, डार्क सर्कल हो गए हैं मेरे, तू क्यों देख रहा है। मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, हमने क्या बोला कि ये जो है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
अब एनसीईआरटी ने क्या बोला कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो पी लाइंस निकलेंगे ना वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे। अब उन्होंने नेक्स्ट लाइन कैसा लिखा है कि अगर परपेंडिकुलर नहीं होते, अगर ये पी लाइंस जो है, अगर ये पी लाइंस है वो अगर परपेंडिकुलर नहीं होते, मान लो कुछ एंगल पर होते, मान लो पी लाइंस जो ऐसे होते वो ऐसे परपेंडिकुलर नहीं होते तो कुछ एंगल पर होते क्या, मान लो ब्लू से होते, ये ऐसा होता है और अगर ऐसा होता तो अगर फीलिंग ऐसा होता तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता था क्या, इसको रिजॉल्व करके एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर के डायरेक्शन बना पाता और एक कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन बना पाता। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ एनसीईआरटी बुक में, ये मैंने नहीं बोला, एनसीईआरटी बुक ने ऐसा लिखा है भाई, उन्होंने क्या बोला कि अगर पी लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होते तो वो क्या होते, सरफेस से कुछ एंगल पर होते क्या, देखो सरफेस से कुछ एंगल पर है, अगर सरफेस से कुछ एंगल पर है तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स बना सकते थे, ई परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता और एक होता जो ई पैरेलल हो जाता। अब देखो इस वाले फील्ड, अगर फील्ड इस तरफ है तो फोर्स जो होगा वो इस तरफ हो जाएगा, लेकिन एक फील्ड ई पैरेलल सरफेस के पैरेलल भी है क्या, इसके कारण फोर्स इधर हो जाता है। अब मैंने अभी पढ़ा है कि टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहां से लेके यहां पे ले जाऊं, पॉइंट ए से पॉइंट बी में अगर टेस्ट चार्ज को मूव करा दूं इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो वर्क डन जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर फोर्स इस तरफ है, अगर ये फील्ड पैरेलल ऐसे इंक्लाइन होता तो उसका एक कॉम्पोनेंट इधर भी होता, इस पैरेलल कॉम्पोनेंट के कारण फोर्स ऊपर हो जाता है। तो अगर तुम टेस्ट चार्ज को यहां से यहां पे लेके जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे है, फोर्स भी यहां पे, उस टाइम पे वर्क डन आना स्टार्ट हो जाता है। अगर वर्क डन आना स्टार्ट हो जाता इसका मतलब जो तुमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा है वो गलत हो जाता है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहां पे ये गलत हो जाएगा क्या, तो एनसीईआरटी बुक में यही लाइन लिखा है। अब जो मैं लाइन बोलूंगा तुम नोट कर लेना भाई, एग्जाम में कॉलेज में तुमसे पूछेंगे लिखने को, If P lines would not have been perpendicular, then they would have been at some inclination. Because of this inclination, field would have two components, one perpendicular to the plane and another parallel to the plane. As we know, in moving a charge through equipotential surface, the work done has to be zero. But if the field would have a parallel component, then this work done would not have been zero. Hence, either statement 1 is true or either statement 2 is true. अब statement 1 की जो authenticity है, वो तो हमने देख ली है भाई। मतलब statement 2 ही गलत है। तो याद इसमें क्या है? ये दो points हैं। दो points में college exam में question पूछते हैं। क्या याद रखोगे? जो equipotential surfaces हैं। और ये आज जो तुम equipotential surface के नाम से पढ़ रहे हो ना, 3 महीने बाद तुम इसी को पढ़ोगे वेव फ्रंट के नाम से, वहां पर भी यही सारी प्रॉपर्टीज काम आने वाली है। एक बार पढ़ लो वहां के भी हो जाएगा, ठीक है। अब याद क्या रखेंगे कि अगर ऐसा याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, तो लोकस ऑफ पॉइंट्स जो सेम पोटेंशियल पर है, पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस में के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर चार्जेस को मूव कराया जाए तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तीसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से पी लाइंस जो होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, अगर परपेंडिकुलर नहीं होते तो फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होता या फील्ड का कंपोनेंट जो प्लेन के अलोंग होता उसका कुछ वर्क डन आ जाता जो पहले वाले स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर देता। याद ये तुम्हारे समझ में आया क्या? तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस थे तो उसमें प्लेनर ऐसे प्लेन प्लेन में बन रहे थे क्या हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? अगर एक पॉइंट चार्ज होगा तो पॉइंट चार्ज भी क्या होगा, ऐसे स्फेरिकल स्फेरिकल बनेंगे क्या? और इसी तरह एक और अरेंजमेंट मान लो, अगर मेरे पास एक इस तरह का यूनिफॉर्मली इनफिनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉड है, इसके आसपास अब जितना फील्ड यहाँ पर मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे। इतना जो मैंने तुमको आज बताया है ना, वो तुमको क्या करना है, याद रखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस याद रखोगे कॉलेज के एग्जाम के लिए काम आएगा,
कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा। याद क्या क्या रखना है सर, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, वो सारे पॉइंट्स का सरफेस जिसमें सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं उसमें किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप चार्जेस को मूव कराओगे तो वर्क डन जीरो आएगा। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, फी लाइंस जो होंगे वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से परपेंडिकुलर दिखाने। और चौथा बात क्या याद रख सकते हो, चार्ज अरेंजमेंट, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फी लाइंस होता है तो उसमें प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं, पॉइंट चार्ज होता है तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं, और अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज रॉड है तो उसके कारण सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे। अब इतना जो मैंने बताया है इसके अलावा भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकते हैं अलग अलग चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होते इसलिए मैं नहीं पढ़ा, ठीक है, स्टैंडर्ड ये तीन ही है इसलिए इनको बता दिया गया है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, अब जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और ऐसे कोई जरूरी नहीं है ना कि कोई अच्छा सा शेप हो, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी आड़ा टेढ़ा शेप का हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आया क्या, हाँ या ना? अब इसमें कुछ क्वेश्चन अगर होंगे तो मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन करा देता हूँ, नहीं तो क्या करेंगे नेक्स्ट में डाइपोल स्टार्ट करते हैं, फिर से स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर लेना। देखो क्वेश्चन ऐसा गिवन है, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास कुछ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस गिवन है, ये क्या है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, और ये जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है ना वो x एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन है, मतलब ये भी 45 डिग्री ये भी 45 डिग्री एंड सो इस तरह से हमारे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है, और ये बोला गया है कि दो इक्विपोटेंशियल सर्फेस के बीच का जो दूरी है वो गैप कितना है 50√2 सेंटीमीटर्स मान लो, 50√2 सेंटीमीटर्स का गैप, मतलब अगर ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है तो O से A की जो दूरी है वो 50√2 सेंटीमीटर्स की है। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, इस डायग्राम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक चीज मैंने तुमको बताई थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। सर कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे एक चार्ज ले लो क्यू, एक दूरी आर1 पे ले लो, एक दूरी आर2 पर ले लो, R1 का पोटेंशियल ज्यादा है या R2 का पोटेंशियल ज्यादा है, R1 जो है वो चार्ज के पास में है मतलब R1 का पोटेंशियल ज्यादा हो गया ना, पोटेंशियल एट R1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट R2, आया ना। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस जो होते हैं वो ऐसा होते हैं क्या, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो फील्ड की टेंडेंसी जो फील्ड लाइंस की टेंडेंसी होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करने की होती है क्या। अब अगर फील्ड की टेंडेंसी फील्ड लाइंस की टेंडेंसी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने की है तो यहां पर क्या करेंगे, फील्ड लाइंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब हायर पोटेंशियल लोअर से लोअर पोटेंशियल मतलब इस तरह से आना चाहिए क्या फील्ड लाइंस। और एक चीज हमने क्या देखा है, हमने ये सीखा है कि जो फील्ड लाइंस होंगे वो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के परपेंडिकुलर होंगे क्या, अगर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के परपेंडिकुलर होंगे तो जो फील्ड लाइंस होने चाहिए थे वो ऐसे होने चाहिए थे क्या, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, हाँ या ना, ये मैंने रेड से बनाया है, फिर से जब भी मैं कुछ अलग कलर से बनाता हूँ मेरे को डाउट होता है कि वो दिखेगा नहीं, एडिटिंग करने के बाद क्वालिटी इतनी रह पाएगी कि नहीं कि जिससे तुमको दिख जाए। अब ये जो फील है जिसको मैंने रेड से बनाया ना उसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना तुमको समझ में आ जाएगा, और एक बार तुमको समझ में आ गया तो तुम ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो मान लो है ई नॉट, हम क्या जानते हैं, हमने ऐसा पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर जो होता है वो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल होता है, जानते हैं क्या। मान लो मैं यहां से यहां जाना स्टार्ट हो, ये ओ था, मान लो ओ से बी जा रहा, अब ओ से बी अगर मैं मूव करूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पैरेलल फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ई बाहर निकाल दूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू आर कॉस थीटा इक्वल्स टू बी इनिशियल माइनस बी फाइनल, ऐसा लिख सकते हैं इनिशियली,
अगर यहां से यहां चल रहे हैं तो इनिशियली मेरे पास पोटेंशियल कितना था, 20 वोल्ट का था, फाइनली कितना हो गया, 10 वोल्ट का हो गया क्या? तो ये जो डिफरेंस होगा वो जाएगा 20 माइनस 10 का। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट आर, ओ से बी का जो लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट है ना। अगर ये 45 है एंगल में तो ये एंगल भी 45 होगा क्या? क्यों सर? क्योंकि पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है फील्ड लाइंस, ये पूरा 90 होता है तो ये 45, तो ये भी 45 हो गया। मतलब OB जो है या R वेक्टर जो है, R वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, R के प्लेस में 50√2cos45 लिख सकते हैं क्या? 50√2cos45 स्पेस ले लेते हैं। E R के प्लेस में 50√2cos45 और E और R के बीच में एंगल कितना है? E वेक्टर भी इसी तरफ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसी तरफ है। अगर E और R के बीच में एंगल देखोगे तो वो क्या हो जाएगा? cos 0 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गया 1। E into 50√2cos45 जो है वो अगेन क्या हो जाएगा? अच्छा ये 50 मेरे पास सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, इक्वल्स टू 10 आ गया। √2 से √2 गायब हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो SI यूनिट में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर कूलम्ब लिखते हैं क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कौन सॉल्व कर पाए? ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जिसको फील्ड लाइन का ज्ञान, जिसको पोटेंशियल सर्फेसिस का ज्ञान हो, जिसको फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पता हो, और उसको ये पता हो कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस से फील्ड लाइन कैसे दिखते हैं। तो कल वाले लेक्चर और आज वाले लेक्चर का हाल तो नहीं है, ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन जिसमें भर भर के कंसेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन भर भर के कंसेप्ट वाला क्वेश्चन। तो जो कंसेप्चुअली इन सब बातों को जानता होगा वो सॉल्व कर पाएगा, जो नहीं जानता है वो, ठीक है, वाले न्यारे। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमें सीखना है डाइपोल। तो डाइपोल और ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, बस बता देता हूँ कि डाइपोल होता क्या है, क्या मतलब है डाइपोल। अब शायद ना डाइपोल आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, बॉन्डिंग वॉन्डिंग में शायद आपको केमिस्ट्री में भी सिखाया जाता है डाइपोल। अब डाइपोल का मतलब, डाई मतलब दो और पोल मतलब दो ऑपोजिट एंड्स, यही होता है ना, डाइपोल का मतलब हो जाएगा डाई मतलब दो और पोल मतलब दो ऑपोजिट एंड्स। तो जब दो इक्वल ऑपोजिट चार्जेस, ये डाइपोल का डेफिनेशन है, दो इक्वल ऑपोजिट चार्जेस को कुछ सेपरेशन पे रख दोगे, इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? डाइपोल। डाइपोल क्या है सर? दो इक्वल ऑपोजिट चार्जेस, दो इक्वल ऑपोजिट चार्जेस व्हेन कैप्ट एट अ सर्टेन सेपरेशन, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डाइपोल। डाइपोल में याद क्या रखना है? व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर कैप्ट, आर कैप्ट एट सर्टेन सेपरेशन, द अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट is known as dipole. The arrangement is known as dipole. ठीक है? The arrangement is known as dipole. अब day to day life में कहाँ देखा है dipole? NaCl. इसका special positive charge होता है, इसका special negative charge होता है, ये सब तुम जानते होगे भाई। और दोनों के बीच में एक bond length नाम की दूरी होती है क्या? तो यहां पर अगर देखोगे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के कुछ सेपरेशन पर रखे हुए, तो ये डाइपोल हो गया क्या? ठीक है, और क्या पढ़ा है सर? और हमने पढ़ा है और कुछ कंपाउंड देख लो, HCl, NaCl, वाटर, वाटर बहुत कॉमन होता है, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है क्या? वाटर H2O, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, फिर से यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये एक डाइपोल हो जाएगा, ये दूसरा डाइपोल हो जाएगा। जब भी इक्वल ऑपोजिट चार्जेस को कुछ सेपरेशन पे रख दोगे उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? डाइपोल। अरेंजमेंट का नाम क्या है? डाइपोल। एक वर्ड यहां पे सीखना है अपने को, डाइपोल मोमेंट, यही कैलकुलेट करना होता है बेसिकली, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हूज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ हूज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज product of either charge and separation between the charges इसका मतलब क्या है dipole क्या है इस तरह के arrangement को हम बोलते हैं dipole जब दो opposite nature के charges को separation पे रखे हुए हैं इस arrangement को क्या बोल रहे हैं dipole dipole moment क्या है भाई साहब तो dipole moment एक vector quantity है जिसका magnitude कैसे calculate कर रहे हैं मैग्नीट्यूड जैसे मान लो ये मेरे पास एक डाइपोल था ये मेरे पास एक डाइपोल है और इनके बीच का दूरी कुछ तो आर है अगर मुझे ये डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होता है इन दोनों के बीच में तो डाइपोल मोमेंट को लेटर पी से डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट को लेटर पी से डिनोट करोगे इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख दोगे प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज ठीक है जैसे इसमें चार्ज क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज डेल्टा पॉजिटिव इनटू सेपरेशन बिटवीन देम कितना हो जाएगा इनटू आर हो जाएगा किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम जैसे यहां पे डेल्टा पॉजिटिव है डेल्टा नेगेटिव दोनों सेम होते हैं तो यहां पे डेल्टा पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ले लो या डेल्टा नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ले लो और सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दो इससे क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और डायरेक्शन के लिए क्या करना है डायरेक्शन के लिए कन्वेंशन याद रखना है डायरेक्शन के लिए कन्वेंशन याद रखोगे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के का जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है ये याद रखने वाली बात है केमिस्ट्री में शायद उल्टा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में बोलते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होता है फिजिक्स में सही पढ़ाना है अपने को फिजिक्स गलत तो होती नहीं है फिजिक्स में सही पढ़ाना है इसमें क्या बोलेंगे अगर कभी भी डाइपोल का डायरेक्शन फाइंड करना है तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया आज तो कुछ बताया ही नहीं भाई इसमें डाइपोल में देखो ये बहुत ही आसान होता है डाइपोल बहुत ही आसान टॉपिक है और क्वेश्चन आते हैं ठीक है डाइपोल से क्वेश्चन आते हैं तुम पेपर उठा के देख लेना तुमको या तो डाइपोल का क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिल जाएगा या तुमको डाइपोल का क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में मिल जाएगा तो डाइपोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अभी जो कंसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में वैसा ही कंसेप्ट आज से महीने भर बाद महीना मतलब 40 डेज में मैग्नेटिज्म में वापस से रिपीट होगा बात समझ में आ रहा है क्या एक चैप्टर के लिए सीख लो अगले चैप्टर में अप्लाई कर लो ठीक है अब है क्या डाइपोल मोमेंट भाई डाइपोल क्या है सबसे पहले तो दो इक्वल ऑपोजिट नेचर के चार्जेस जब कुछ सेपरेशन पे रखे हुए हैं इस अरेंजमेंट को बोलते हैं डाइपोल पहला स्टेटमेंट याद रखना है दूसरा स्टेटमेंट याद क्या करना है डाइपोल मोमेंट क्या है तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होगा प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस प्लस ले लो नेगेटिव ले लो दोनों में से किसी का मैग्नीट्यूड ले लो मैग्नीट्यूड सेम होगा इनटू सेपरेशन बिटवीन देम इससे क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बाय कन्वेंशन हमें याद रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज हाँ या ना क्लियर है क्या अब पूरी केमिस्ट्री डाइपोल से ही बनी हुई है इसलिए हम क्या करेंगे डाइपोल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्लियर है इतना ही रख लेते हैं आज ठीक है कल वाले लेक्चर में फिर से देखेंगे आज इतना ही रख लेते हैं